वेलकम टू द ब्लॉग गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। बिल्कुल डिम डिम होती हुई इस लाइट के साथ, और भाई इसके सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। इस तरीके के स्ट्रीट पे अगर लाइट आप देख लो तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो अभी शाम का माहौल है और हमेशा की तरह आज भी निकल चुके हैं बाहर। वो पता नहीं खुद को अपने आप बहुत ज़्यादा अपने फेदर को निकाल रहा है वो, और मैंने पता करा क्योंकि क्यों निकाल रहा है भाई, तो पता चला कि अभी दोनों के दोनों छोटे बच्चे हैं यार। तो ज़्यादा उन लोगों को अभी जो चावल है या रोटी है अभी नहीं देना, जितना हो सके फ्रूट्स खिलाना है और यही सब से अभी उनको रखना है। एक स्प्रे लेना है, तो वहाँ पहुँचने के बाद कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। फिलहाल अभी स्प्रे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हालांकि अभी चलते हैं और चल के देखते हैं कि अगर क्या कुछ किया जा सकता है। उसके फेदर को नहीं है तो अभी चल के थोड़ा बहुत साफ़ करते हैं, और फेदर को साफ़ करने के बाद अभी स्प्रे का लॉट मैंने ऑर्डर कर रखा है। भैया जो है वो बोले कि एक दो दिन में मंगवा दूँगा। सो अभी जस्ट शॉप के पास ही हूँ, यहीं पर शॉप है जस्ट, और अभी चलते हैं घर पर फिलहाल। क्या बोल रहे हो? एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इधर आइए। तीनों यहाँ पर सुताओ टफी। आशीष का फेवरेट ब्रीड है यार ये, है ना? थोड़ा सामने आएगा तो आ जाओ। कौन सा ब्रीड है? अबे तुमको बोल रहे, पसंद है? हबक लेगा नहीं ना। कैच करोगे? काटेगा तो नहीं? काटेगा पक्का। कैच करोगे? कितने मंथ का है भैया ये वाला? देखिए तो बड़ा कान वाला, दस दिन पंद्रह दिन में बड़ा हो जाएगा। और ये रैबिट लोग बड़ा लेते नहीं है कि बड़ा बिकेगा नहीं, अभी फिलहाल घर निकलते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी रैबिट भी दिखाया आपको, हर कुछ मिलेगा यार। अगर आपको कभी भी कुछ चाहिए एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा, और मैं आपको एड्रेस नंबर सारा सब कुछ दे दूंगा भैया का, ठीक है? सो अभी फिलहाल घर चलते हैं, या तो परसों स्प्रे आ जाएगा, और कल मैं पैरट को नहीं होता है तो कल नहीं तो संडे को लेके वापस आऊँगा यहाँ पर थोड़ा बहुत उसको, क्योंकि अब केज से बाहर निकालने का टाइम आ चुका है यार। ज़्यादा काफ़ी लंबे टाइम तक उसको केज में अब मैं रखने वाला नहीं हूँ। तो फाइनली भाई अभी जस्ट आशीष भी अब यहाँ से बारी आ चुकी है अलग अलग, आपको दिखा दूँ जस्ट यहाँ पे। तो यहाँ जो रोड देख रहे हो, यहाँ जस्ट बगल में ये जो शॉप है इसके जस्ट बगल में गली जाती है, और उस यहाँ पे मैं रहता हूँ, और जस्ट यहाँ से जो सीधे रोड चला जाता है उसमें आशीष रहता है जस्ट सीधा। सो अब 50-60 मीटर पे, तो ज़्यादा दूर नहीं है, जब मन करते हैं मिल लेते हैं, ठीक है? तो वो गया सीधा बाय बाय, और मैं आया इधर। अब जल्दी जल्दी उसको केज से बाहर निकालना है भाई, केज के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक रखने वाला मैं नहीं हूँ। तो चलिए, रहा आपके सामने टैमी और टोटो दोनों। अभी फ़िलहाल दे रखा हूँ इनको चना, और थोड़ा सा गर्मी का दिन है तो भैया ने बताया था कि उसमें पानी डाल दीजिएगा, तो वैसे ही पानी डाला हुआ हूँ। नेक्स्ट ये आता है एक दवा जो कि पानी में आप मिला के दे सकते हो हर एक वीक में एक दिन, तो आज संडे, तो संडे में देता हूँ इसको। तो ये दिया हुआ था, वो आप बर्ड करके कुछ आता है, बर्ड मेडिसिन करके कुछ आता है, जिससे आपका बर्ड हेल्दी रहेगा। लेकिन क्या हेल्दी रहेगा यार, इसमें तो ये बाथरूम कर दिया, इसको चेंज करना पड़ेगा फिर। और ये यहाँ पे बैठा हुआ है वो ऑलवेज, जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है ना, वो सामने टोटू, ये इसका नाम टोटू है और इसका नाम टैमी है। टैमी थोड़ा ब्रेव है भाई, और टोटू की बात करूँ तो टोटू पता नहीं क्यों डरा हुआ रहता है। ओए टोटू क्यों डरा हुआ है भाई? अरे यार एक फेदर लगता है ये आज डैमेज कर लिया है। यहाँ पे आप देख लो एक फेदर, यहाँ पे एक नीचे से बड़ा नज़र आ रहा है, एक छोटा नज़र आ रहा है। ये फेदर बहुत ज़्यादा डरता है यार, पता नहीं क्यों इतना डरता है। लेकिन मैं इसे बाहर निकालना भी चाह रहा हूँ तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहा है। सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर का जो फियर है उसको बाहर निकालना होगा। टैमी टैमी यार, देखने से ही लगता है जैसे कि है भाई, दोनों काफ़ी सही पैरोट है आप देख सकते हो। एक तो पीछे में जाया हुआ है, उसको मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, भाई इधर तो आजा, ओए आजा आजा इधर। और ये गौर से सुनेगी, टोटू को आप देख लो, ये जो सामने यहाँ पे टोटू है ना,
यहाँ पे आप देख लो, ये जो टोटू है ये काफी, सॉरी ये टोटू है, ये टैमी है, फीमेल जो है वो टैमी एंड द मेल इज टोटू, ठीक है। तो टैमी देखिए कैसे सुनेगी, टैमी टैमी, ओए टैमी क्या कर रही है टैमी। अगर मैं ऐसे करूँगा तो एक पैर पीछे देख लो भागेगी, हालांकि ये थोड़ी ब्रेव है, इसका जो सर देखो ये किस तरीके से, टैमी टैमी इधर आना। देखो अब इसका डर के हालत खराब हो जाता है, अब ये भागेगा। टोटू इधर आना, टोटू टोटू। खैर यार अभी रात का टाइम है, शाम हो गया है और 7:30-8:30 बज रहे हैं, सो अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा दोनों। अभी जस्ट मैं बगल में बैठा हुआ हूँ और सामने में दोनों पैरट जो हैं वो सामने में हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही ये इन्हें लगता है कि आजू बाजू में कोई नहीं है तो ये क्या एक्टिविटी करते हैं। पिछले एक घंटे से बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, टैमी तो पास में आ चुकी है, टोटो आ ही नहीं रहा है। मैं जाके बैठ गया, टोटो आजा आजा टोटो आजा। हाँ अब जाके आया है, अब जाके आया है टोटो, गाना सुनेगा। किसी भी एनिमल को ट्रेन करना इज़ नॉट ईजी डील, कोई भी आसान काम नहीं है भाई उसे ट्रेन करना। एक घंटे से बोल रहा हूँ कंटिन्यू, लग रहा है कि यार कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अब पूरा एकदम टाइट हो चुका है और दर्द कर रहा है, मतलब मुंह खोलने में नहीं बन रहा है इतना टाइम से बोलते बोलते। सो अभी ये कंटिन्यू ट्रेनिंग में इतना एक घंटे डेढ़ घंटे का इनके साथ मैं शेयर बात करूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर आप सबसे पहला स्टेप उन्हें खुद अपने तरफ आने देते हो तो ग्रीन पैरट्स जो होते हैं आपके साथ फ्रेंडली होते हैं। और पता करा था कि इन ये फेदर अपना इसलिए नोच रहा है क्योंकि मैंने इसे चावल और रोटी खाने के लिए दिया था। अभी ये 40-50 दिन का ही बच्चा है दोनों, सो इसे अभी सिर्फ और सिर्फ सीड्स देना है, फ्रूट्स देना है, दैट्स ऑल। अब मुझे भी भूख लग गया यार, ये सीड्स फ्रूट्स के नाम से मैं चला नीचे खाना खाने, टाटा बाय।